अफसोसनाक वाकया हंदवाड़ा का, जिसमें चार बच्चे यतीम भी हो गए, चार बच्चों ने अपना सब कुछ खो दिया। उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, गलती केवल उसके बाप की, गलती केवल उनके पेरेंट्स की। कहानी कुछ इस तरीके की है, आपने आज दिन भर सुना होगा कि हंदवाड़ा के अंदर एक कत्ल का मामला पेश आया, लेकिन उस कत्ल के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल झगड़े का कारण क्या था, दरअसल कत्ल किस चीज से किया गया, आपको सुनकर शॉक लग जाएगा। और इस हस्बैंड ने जिसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, जिसके चार छोटे छोटे बच्चे थे, बाप जेल के अंदर, मां कब्र के अंदर, और सहारा इन चार बच्चों ने खो दिया। झगड़ा शाम के वक्त शुरू होता है, डिनर के टाइम पे, जहां पर हस्बैंड बीवी जो है अपने शौहर को बुलाती है खाना खाने के लिए, और वो हस्बैंड जो है एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी चीज के साथ बिजी था, और वो उठकर बहस हो जाती है और बहस के चलते अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। लेकिन ये मारना पीटना इस हद तक बढ़ जाता है कि अपना ये शौहर जो है एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है, जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए किया जाता है, जिस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल दरख्त काटने के लिए किया जाता है, उसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल ये खावंद जो है, शौहर जो है, अपनी बीवी का कत्ल कर आम है कश्मीर में। हम बार बार कहते हैं, सोपोर का वाकया याद होगा, बीवी ने अपने शौहर का कत्ल करवा दिया, जिसकी बॉडी जो है फिर एक यू कह सकते हैं कि एक कुएं से निकाली गई। और इस मामले में अंत में बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चे जो है अब पूरी तरीके से यतीम भी हो गए और बेसहारा भी हो गए। चार बच्चे इनके थे, और इस तरीके से ये दर्दनाक मौत है कि जनाब खावन जो है कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है, सीधे अपनी बीवी के सर पर वार करता है, और उसके बाद सर पर वार करने के बाद उस बीवी की मौत, उसके बीवी की मौत ऑन स्पॉट ही हो जाती है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस जमन में FIR नंबर 5/2024 अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC के तहत केस भी रजिस्टर्ड किया जाता है, और इसके शौहर को यानी कि जो मुलजिम है उसको अरेस्ट भी किया जाता है। लेकिन अफसोस तो यह है कि आखिरकार चार बच्चे अब इस चीज के अंदर, इस लड़ाई के अंदर, इस मामले के अंदर बेघर हो गए। और आप सोचे कि आमतौर पर यह चीजें डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं, कि इस हद तक बढ़ जाती है कि अब एक दूसरे का कत्ल किया जाता है, भाई भाई का कत्ल कर देता है, बीवी अपने शौहर का कत्ल करवा देती है, और उसके बाद अब शौहर कुल्हाड़ी से अपनी बीवी के सर के ऊपर वार करके अपने बीवी का कत्ल कर देता है। बीवी कब्रिस्तान के अंदर, शौहर जेल के अंदर, और बीच में चार बच्चे जो यतीम भी हो गए, जो बेसहारा भी हो गया। आखिरकार उन चार बच्चों की गलती क्या थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मैं आपको बता दूं, कारण केवल ये जो मेरे हाथ में है कि इसकी वजह से कि हस्बैंड रिपोर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन के साथ खेल रहा था, और उसी के चलते बीवी ने कहा कि आइए खाना खाइए, खाना खाने के ऊपर बहस इतनी बढ़ गई कि जनाब हस्बैंड ने, इस शौहर ने अपनी बीवी को दो, और उसके बाद थप्पड़ मारने के बाद जिस चीज का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया गया, जिस चीज का इस्तेमाल दरख्त काटने के लिए किया जाता है, इस हस्बैंड ने अपनी बीवी को काटने के लिए इसी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, और कुल्हाड़ी से उसके सर के ऊपर सीधे वार करके उसकी मौत ऑन स्पॉट हो जाती है। और उसके बाद इस मामले में FIR, मैंने आपको बता दिया, FIR नंबर 5/2024 अंडर सेक्शन ऑफ 302 ऑफ IPC के तहत केस रजिस्टर्ड है। मैं बार बार कहता हूं जनाब, हस्बैंड जेल चला गया, बीवी वाइफ जो उसकी है वो कब्रिस्तान चली गई, लेकिन ये चार बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे? आप सुबह उठोगे तो कत्ल है, शाम को उठोगे तो कत्ल, मॉर्निंग में कत्ल की खबर, शाम को कत्ल की खबर, सुबह कत्ल की खबर, दिन में कत्ल की खबर। आमतौर पर अब कत्लों की बरसात जो है कश्मीर के अंदर होने लगी है। हर दिन कश्मीर में आप सुबह उठते हो तो कत्ल की खबर सामने आती है, भाई भाई का कत्ल कर देता है।
बच्चे चाचू का कत्ल कर देता है, बीवी अपने शौहर का कत्ल करवा देती है, शौहर अपने बीवी का कत्ल कर देता है, और आखिरकार कारण ये डोमेस्टिक वायलेंस इस हद तक आप देखे बढ़ जाते। और फिलहाल पुलिस का काम है इस मामले में तहकीकात करना, पुलिस का काम है इस मामले में कार्रवाई करना, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है आप समझ जाइए कि यह कितनी दर्दनाक मौत है कि कुल्हाड़ी से सर के ऊपर अपनी बीवी को वार करना, जिसने अपनी जिंदगी उधर ही गंवा दी। और उसके चलते पुलिस की टीम पहुंच जाती है और फैमिली जो है जारो कतार रो रही है कि जनाब हमारे हमारी बच्ची का कत्ल कर दिया गया, हमारी बेटी का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अफसोस कि आखिरकार इतना बड़ा क्या माजरा है जिसमें बीवी शौहर का कत्ल करे, शौहर अपनी बीवी का कत्ल करे, उन सब इस चीजों का इस्तेमाल किया जाए। कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया जाता है, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल दरख्त काटने के लिए किया जाता है, लेकिन हंदवाड़ा के इस इलाके के अंदर शौहर ने अपनी बीवी को का कत्ल करने के लिए इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया है। हालांकि पुलिस ने इसके शौहर को अरेस्ट तो किया, लेकिन अफसोस तो यह है कि आखिरकार ये कत्ल के मामले कब तक कश्मीर में रुकेंगे। और ऐसा लगने लगा है कि अब हर दिन कत्ल ही कत्ल, खून ही खून, खून की नदियां ही कश्मीर के अंदर बहती है। अब आगे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।